सीतापुरा के जेईसीसी में लगाई गई इस प्रदर्शनी में पहली बार ही लोकप्रियता के कई मापदंड पूरे किए हैं और यहां पर काफ़ी मात्रा में ट्रेडर्स आए हैं, व्यापारी आए हैं और उनकी ज़रूरत के हिसाब से यहां पर स्टॉल्स लगी हैं, मशीनरी लगी है, उत्पाद प्रदर्शित किए गए हैं। उन्हीं में से एक है बीकानेर के चांडक जी नमकीन और पापड़, यहां इन्होंने डिस्प्ले किए हैं कि किस तरह के प्रोडक्ट हैं आपके, क्योंकि नमकीन पापड़ बाज़ार में कई सारे ब्रांड हैं, कई कंपनियां हैं, तो आपकी स्पेशलिटी क्या है? हमारी स्पेशलिटी ये है कि हम क्वालिटी प्रोडक्ट बना रहे हैं, क्योंकि आज मेन चीज़ क्वालिटी है। अगर क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो कस्टमर को हम वापस नहीं बुला सकते हैं, कस्टमर मेरे पास वापस आए, हमारा मेन फोकस वही है। क्वालिटी के साथ में नो कॉम्प्रोमाइज़ है, इसीलिए हमारा ब्रांड वैल्यू के अंदर हम लिखते हैं खाने में नो कॉम्प्रोमाइज़। क्वालिटी अच्छी होगी, कस्टमर को पसंद आएगा, वापस आएगा। बीकानेरी बहुत से लोग बनाते हैं पर बीकानेरी प्रॉपर चीज़ जो चीज़ होती है वो मेंटेन नहीं कर पाते हैं, वो उसमें कई सारे रीजन्स हो सकते हैं, हम उन रीजन्स को यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पर। मैं अपना प्रोडक्ट भले कम बेचूँ पर वो पर्टिकुलर कुछ कस्टमर्स के पास जाए, उनको पसंद आए, हमारा मेन फोकस उस चीज़ का है। यहाँ आपको बीकाजी मिलेगा, हल्दीराम मिलेगा, बीकानो मिलेगा और डायमंड, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, पर हमारा प्रोडक्ट आपको टेस्ट करें, हम फीडबैक लेते हैं आपसे, उसमें कंपैरिजन करके उसको चेंज करते हैं, उसको और अच्छा बेहतर बनाते हैं ताकि आपको और अच्छा पसंद आए वो हमारा। अच्छा, बीकानेर में नमकीन की काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री है जी सर, आप किस तरह से लोगों के टेस्ट जो पहचान पाते हैं कि लोगों को क्या पसंद आएगा, किस तरह से आप चेंज करते हैं, फ्लेवर चेंज करते हैं अलग अलग, और क्या इसके पीछे की जो USP क्या है बीकानेर में, कहाँ से रिसर्च होता है? सर जी, बीकानेर के USP ये है कि उसका एटमॉस्फेयर, उसका पानी, उसके जो इंग्रेडिएंट्स वहाँ मिलते हैं वो चीज़ें, और जो प्रॉपर हमारा जो वेरिएंट रहता है कस्टमर के हिसाब से वो होता है। जैसे अब जैसे मैंने यहाँ पे अब स्टॉल लगाई है, यहाँ पे कस्टमर से मैं फीडबैक ले रहा हूँ, वो बताते हैं मुझे तेज़ चाहिए, मुझे कम तेज चाहिए, मुझे इसमें थोड़ा सा मीठापन चाहिए, इसमें मुझे थोड़ा तीखापन चाहिए, तो यही चीज़ें होती हैं जो हमारे को फीडबैक पर मिलती हैं और हम उसी चीज़ के अकॉर्डिंगली कस्टमर्स के हिसाब से प्रोडक्ट्स को कुछ चेंज करते हैं उसके अंदर। इसी वजह से एक नमकीन एक बहुत बड़ा सेक्टर बन जाता है जिसमें अलग अलग वेरिएंट्स आते हैं, उसका रीज़न यही है कस्टमर को पसंद है वो, उसको वो मिल जाए तो नमकीन इंडस्ट्री और ज़्यादा अच्छी ग्रोथ करती है। अब ये बताइए, बीकानेर से आप जयपुर आए हैं, अपना प्रोडक्ट लेकर यहाँ डिस्प्ले किया है, कैसा रिस्पॉन्स मिला है खरीदारों की ओर से, व्यापारी और ट्रेडर्स की ओर से? मुझे बहुत अच्छा मिला है यहाँ पे रिस्पॉन्स, कस्टमर्स को पसंद आता है प्रॉपर, जब बीकानेरी चीज़ उनको खाने को मिलती है, टेस्ट करने को मिलती है, तो उनको बहुत सारे मुझे फीडबैक मिले, कोई लोगों ने इंक्वायरीज भी करी है कि हमसे जहाँ आपसे जुड़ना चाहते हैं, कुछ कस्टमर्स यहाँ से परचेजिंग भी करके गए हैं, तो एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिला है मुझे, एक अच्छा एक कहते हैं पॉजिटिव एनर्जी मिली मुझे यहाँ से कुछ और अच्छा करने की, कुछ और उनको अच्छा बताने की। यूँ तो सभी इंडस्ट्रीज़ में एयर कंप्रेशर की ज़रूरत होती है, लेकिन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में इसका महत्व ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए इस प्रदर्शनी में क्रॉसकर की ओर से या मशीनरी डिस्प्ले की गई है। इस पर बातचीत करते हैं कि ये क्या इस खूबी है इस मशीनरी की और किस तरह से ये इंडस्ट्री में काम कर सकती है, ख़ासतौर से प्रोसेसिंग की बात करें तो। एग्जैक्टली, धन्यवाद, आपने हमें एक मौका दिया जिसके अंदर हम हमारा प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर पा रहे हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि हमारा ये जो प्रोडक्ट है, ये किलोस्कर का एयर कंप्रेशर है, ये कंप्रेशर हर प्रोसेस यूनिट के अंदर काम में लिया जाता है। इसके अंदर बेसिकली प्रेशर से एयर का फ्लो होता है जिससे हम लोग ह्यूमिडिफिकेशन को दूर कर सकते हैं, डीह्यूमिडिफाई करते हैं जिससे कि मॉइस्चर साथ में न जाए। किसी भी प्रोडक्ट के अंदर एयर का फ्लो, एयर की मेंटेन करने के लिए डीह्यूमिडिफाई किया जाता है कुछ लेवल तक, उसके अंदर एज ए ह्यूमिडिटी ज़रूरत है, कईयों में उस ह्यूमिडिटी को माइनस किया जाता है, तो इसलिए ये कंप्रेशर का यूज़ किया जाता है। पहले पुराने ज़माने में ये कंप्रेशर्स आया करते थे बड़े बिग साइज़ में, बहुत बड़ी साइज़ हुआ करती थी और एक कॉम्पैक्ट नहीं होते थे। आजकल एक ये डिज़ाइन रूप में है, एक कॉम्पैक्ट है जिसका आप एक पैनल देख रहे होंगे कि ये सामने एक ये जो पैनल है ये उसका एक डिवाइस है, ये ऑटोमेटेड है। इसमें हम लोग के पास में एक प्रेशर प्रोसेसेस PLC लगी हुई है जो प्रोसेस लॉजिक यूनिट कहलाती है, जिससे कि हम लोग हमारा लॉजिक फिक्स करके कि इतने टाइम के लिए, इतने सेकंड के लिए इस प्रेशर बार kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में एयर फ्लो की जाए तो वो इसका यूज़ किया जा सकता है। तो ये इसका महत्व है और ख़ासकर ये जो फूड और ग्रेन इंडस्ट्री है इसके अंदर इसका बहुत यूज़ है, इसमें हर जगह इसका फ्लो कंप्रेशर का यूज़ हुआ है, किया जाता है। ये एग्जीबिशन यहाँ लगाई गई है, यहाँ सभी इंडस्ट्रीज और देश भर से यहाँ बायर भी आए हैं, ट्रेडर भी आए हैं, तो किस तरह का रिस्पॉन्स यहाँ मिला है? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है हमें, कल पहला दिन था, आज सेकेंड डे है, कल की डेट में हमें करीब 15 से 16 इंक्वायरीज़ मिली है।
प्रोडक्ट को बनाने में डिज़ाइनिंग सबसे महत्वपूर्ण है और डिज़ाइनिंग में भी तकनीक, और यह तकनीक मुहैया कराई गई है यहाँ इस प्रदर्शनी में ग्लोबल 3dhub.com की ओर से। तो यहाँ ये किस तरह का एक कंसेप्ट लेकर आए हैं, इन पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ ग्लोबल हब के प्रतिनिधि हैं। आप बताइए किस तरह का आपका कंसेप्ट है और डिज़ाइनिंग में क्या तकनीकी बदलाव हुए हैं? सर बेसिकली ये 3D प्रिंटर है जिस पर अपन एक्चुअल में क्या प्रोडक्ट बना सकते हैं, किसी भी टाइप का हो या किसी भी डिज़ाइन का हो, जो चीज़ अपन बेसिकली अपन इमेजिन कर सकते हैं वो चीज़ अपन 3D प्रिंटर पर बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक पानी का बोतल, जैसे पानी का बोतल है, ठीक है, इसको अपन ने डिज़ाइन किया, डिज़ाइन करके 2D प्रिंटर पे अपन कमांड देंगे, पेपर में वो प्रिंट निकाल के देगा, 3D प्रिंटर पे अपन कमांड देंगे वो एक्चुअल में पानी का बोतल बना देगा जिसमें आप पानी भर के पी सकते हैं। इसका यूज़ ये है कि वो अपन जो मोल्ड बनाते हैं उससे पहले का ये प्रोसेस है, ठीक है। इससे क्या ओवरऑल अपना टाइम और कॉस्ट दोनों रिड्यूस होता है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो चाह रहे हैं कि मेरा एक अलग अलग टाइप के डिज़ाइंस रहते हैं, ठीक है, पर्सनलाइज तरीके से वो बनाना चाह रहे हैं उस चीज़ को। तो कई बार क्या होता है कि डिज़ाइन उस टाइप का बन नहीं पाता है या उस वॉल्यूम का वो बन नहीं पाता है, तो उससे ओवरऑल क्या है टाइम भी वेस्ट होता है क्योंकि दोबारा अपन को मोल्ड बनाना पड़ता है उसके लिए, कॉस्ट भी वेस्ट होता है। तो डिज़ाइन किया अपन ने, 3D प्रिंटर पे कमांड दिया, उसको बना करके देख लिया कि डिज़ाइन बराबर है कि नहीं है, और अपना जो वॉल्यूम चाह रहे वो एज इट इज़ वैसा है कि नहीं है, अगर वैसा सिमिलर निकलता है तो आप उसको मोल्ड प्रोसेस कर सकते हैं। उससे ओवरऑल क्या है कि अपना जो 1 लाख का जो आ रहा था कॉस्ट वो अपना ओवरऑल 1 से 2 हज़ार के बीच में हो गया उससे। उसके अलावा अपना एक और प्रोडक्ट है मून लैम्प, ये सर ये मून लैम्प है, जैसे अपना मून है एज इट इज इसको वैसा का वैसा अपन ने डिज़ाइन किया है, जो इसकी शेड्स है वो अपन ने डिज़ाइन करके 3D प्रिंट किया है। ये 3D प्रिंटेड प्रोडक्ट है, ठीक है। ये क्या 3 कलर का आता है, ये येलो, वाइट एंड वॉम वाइट। इसका जो ब्राइटनेस है वो डिक्रीज इंक्रीज भी कर सकते हैं, इसको टच सेंसर है, जस्ट होल्ड किया तो उसका डिक्रीज भी हो जाएगा, होल्ड किया तो इंक्रीज भी हो जाएगा। अभी लास्ट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, मेन चीज़ 3D प्रिंटर, एक सेकंड सर दिखाएं। सर ये 3D प्रिंटर है, FDM टेक्नोलॉजी पे बेस है, फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग, ये कार्टेशियन टेक्नोलॉजी पे, ठीक है। इसमें क्या ये फिलामेंट है, मटेरियल है जो वायर की फॉर्म में आते हैं, ठीक है। 1.75 mm इसका थिकनेस डाया है, यहाँ से एक्सट्रूड होकर के वो हेड में जाते हैं, हेड में जा करके यहाँ पर हीटर लग रखा है, मेल्ट होकर के नोजल के थ्रू लेयर बाय लेयर करके वो प्रोडक्ट बना देता है। तो किसी भी डिज़ाइन का, किसी भी टाइप का अपन जो प्रोडक्ट है वो अपन 3D प्रिंटर पर बना सकते हैं। IAFF इंटरनेशनल इस एग्जीबिशन में फूड प्रोडक्ट्स के साथ साथ में उपकरण और मशीनरी भी प्रदर्शित की गई हैं। आधुनिक मशीनें हैं जिनसे काम करना और आसान हुआ है, अपने उद्योग और व्यापार को और अच्छे ढंग से आप बढ़ा सकते हैं आगे। इसी तरह से एक यहां पर कंपनी है यूनिक पैकेजिंग, इन्होंने यहां अपनी एक मशीन भी डिस्प्ले की है। आइए इनसे बात करते हैं, जानते हैं सर आपकी कंपनी क्या है और किस तरह की ये मशीन आपने यहाँ पर डिस्प्ले की है, क्या उपयोग है इसका? एक्चुअली मेरी कंपनी का नाम यूनिक पैकेजिंग मशीन्स है, हम लोग जयपुर बेस्ड हैं एंड सभी टाइप की पैकेजिंग मशीनें हम लोग बना रहे हैं। जैसे फूड आइटम्स के अंदर ग्रैनुलर है, सॉलिड है, लिक्विड है, सभी टाइप की पैकेजिंग मशीनें हम लोग बना रहे हैं। और ये जो मशीन हमने बेसिकली लगाई है ये 4 हेड वेयर मशीन है, इसके अंदर ग्रैनुलर आइटम जैसे नमकीन है, फ्राइम्स आइटम है, पल्सेज है, ग्रेन आइटम है, वो सारा पैकेजिंग होता है इसके अंदर। ये ऊपर 4 लोड सेल लगा रखे हैं हमने इसके अंदर, तो लोड सेल के थ्रू वेट होता है, पहले मेजरमेंट होता है, मेजरमेंट होके नीचे ड्रॉपिंग होती है और फिर बैगिंग पार्ट। एक बार ऑन करना संदीप जी उसको मशीन को, इसमें हम आपको दिखाते हैं कि किस टाइप से ये मशीन वर्क करती है। ये पूरा कंट्रोल पैनल है इसका, सामने से जो आ रहा है पूरा कंट्रोल पैनल है, ये ऑटोमेटिकली मशीन वर्क करेगी। इस टाइप से ये मशीन वर्क करेगी, ऊपर से मटेरियल आएगा ऑटोमेटिकली, पाउच का लड़ी वगैरह बनना, फॉर्मेशन वगैरह होना, इसके साथ साथ में जैसे बैच कोडिंग वगैरह होती है मशीन के साथ में, वो बैच कोडिंग भी इसमें ऑटोमेटिकली हो जाती है। ये टेक अवे कन्वेयर हमने दे रखा है, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है आज के टाइम में जो स्टार्टअप्स वगैरह करते हैं। बाकी हमने ये एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया है तो काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स हम लोगों को मिल रहा है, क्योंकि एग्जीबिटर ने जो व्यवस्थाएं करी हैं, जो सारा काम किया है वो बहुत अच्छा किया है इन्होंने, जो ऑर्गेनाइज़र है वो बहुत अच्छा है। और इसके अलावा हमारे पास में सेकेंडरी पैकेजिंग मशीन्स भी हैं, जैसे बॉक्स स्टेपिंग मशीन, कार्टन टेपिंग मशीन, हैंड मशीन्स, फॉइल सीलिंग मशीन्स, एक ब्राइड रेंज है, किसी भी टाइप का आइटम, जैसे मिल्क पैक करना है तो उसके लिए मशीनरी अलग है हमारे पास में, कुछ ग्रैनुलर आइटम है तो उसके लिए सेपरेट है, पाउडर फॉर्म के लिए ओगर मशीनें हैं,
इसी टाइप से ये मशीनें वर्क करती हैं, ये जीरो मेंटेनेंस की मशीन। किसी भी इंडस्ट्री में मशीन को फीडबैक कंपनी पैकेजिंग मशीनरीज बनाती हैं, उन्होंने यहाँ अपना स्टॉल लगाया है, उनके प्रतिनिधि हमारे साथ हैं। सर, आपने किस तरह के यहाँ प्रोडक्ट डिस्प्ले किए हैं और आपकी जो पैकेजिंग मशीन है क्या विशेषता है इसकी? ये जो हमने मशीन लगाई है ये ऑटोमेटिक पाउच पैकेजिंग प्रोडक्ट उसके लिए है। चाय, मसाले, नमकीन, सुपारी, इस तरीके से कोई से भी ग्रैनुलर प्रोडक्ट्स होते हैं, खासतौर से नमकीन में ये मशीन सबसे ज़्यादा चलती है। तो ये ऑटोमेटिक पाउच पैकिंग मशीन है विद कन्वेयर सिस्टम, फुली ऑटोमेटिक वेइंग बेस सिस्टम है। इसमें ऑटोमेटिकली ऊपर से माल वजन करके नीचे पाउच पैक कर देती है। इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पे, ये तो पाउच के लिए हो गई, बॉक्स, बॉटल, बल्क पैकेजिंग के लिए हो, उस सब की तरह के लिए मशीनें हम लोग यहाँ पर डिस्प्ले की है। उसके अलावा हम लोग का धागे का और एक प्लास्टिक कट्टे का काम है, तो उसके भी प्रोडक्ट रेंज हम लोगों ने डिस्प्ले करी है यहाँ पे। इस तरह की पैकेजिंग के लिए मशीनें तो पहले से मार्केट में अवेलेबल थी, लेकिन हर बार टेक्नोलॉजी बदलती रहती है, अपग्रेडेशन तेज़ी से होता है। इस मशीन में ऐसे क्या फीचर हैं जो अभी तक नहीं थे? ये मशीन पहले बहुत जापानीज़ कंपनीज़ की आया करती थी, तो यही मशीन यहाँ पे 25 लाख 30 लाख की होती थी। आज की तारीख में 10-12 लाख रुपए में ये इस तरह का ऑटोमेटिक पाउच पैकिंग मशीन अवेलेबल हो गई हैं। तो जहाँ पे पहले लोगों का वेट एक्यूरेसी या वो सब चीज़ों से परेशान होते थे, आजकल बहुत ही कम कॉस्ट में वो चीज़ अवेलेबल होने लगी है, तो एक कॉस्ट बहुत जल्दी रिकवर हो जाती है उस चीज़ के लिए। स्मॉल स्केल बिजनेस में ये काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है? बिल्कुल, स्मॉल स्केल हो, लार्ज स्केल हो, हमारे पास सब तरह का रेंज है। कोई आदमी आज 1000 रुपए की मशीन से चालू करना चाहे और ये करीबन 13-14 लाख रुपए की मशीन है, इससे भी काम करना चाहे, सब तरह का रेंज हमारे पास मिल जाता है। सार्थक इंजीनियरिंग जिन्होंने भी यहाँ अपनी मशीनरी डिस्प्ले की है, इनसे जानते हैं किस तरह की टेक्नोलॉजी लेकर ये इस एग्जीबिशन में आए हैं। जी सर, नमस्कार जी, मेरा नाम रणधीर सिंह है, मैं सार्थक इंजीनियरिंग को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे। हम लोग सोनीपत से आए हैं, हरियाणा से। हम अभी यहाँ पे एक ऐसी मशीनरी लेके आए हैं जो खाने के तेल बनाने वाली कंपनियों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। आम तौर पे पुराने ज़माने से जो टेक्नोलॉजी चली आ रही है उसमें पानी की लागत बहुत होती है। एक आम तौर पे अगर कोई 100 टन रोज़ की उत्पाद करता है, खाने के तेल की प्रोडक्शन करता है, उसको घंटे का 2.5 से 3 टन पानी की ज़रूरत पड़ती है। इसका मतलब हुआ 24 घंटे अगर वो अपनी कंपनी को चला रहा है सुचारू रूप से कम 70 से 80 टन पानी की लागत लगेगी एक छोटी सी रिफाइनरी वाले को जो नॉमिनल अच्छा चलाता है। हम जर्मनी के साथ कोलेबोरेशन करके एक ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आए हैं पिछले 4-5 सालों से हिंदुस्तान में, जिससे पानी की लागत न के बराबर हो जाती है। जहाँ पे 2.5 टन घंटे का पानी लगता था, वहाँ पे हमारी मशीन में सिर्फ 100 से 150 लीटर पानी लगती है हर घंटे के हिसाब से। और ये इतना कम पानी है जिसको हम और दूसरे तरीके से इवापोरेट यानी कि वाष्पीकृत करके ख़त्म कर देते हैं। तो हम ये बोलना चाहते हैं कि हम लोग जीरो एफ्लुएंट के लिए काम कर रहे हैं। जो पानी निकलती है रिफाइनरी से वो बहुत ही गंदा और दूषित होता है, वो जानवर पीने से उनकी भी स्वास्थ्य ख़राब होती है, और कोई किसान इस्तेमाल नहीं कर सकता, किसी भी एग्रीकल्चर में इस्तेमाल नहीं हो सकता, और इंडस्ट्री के लिए भी बहुत बड़ा सरदर्द है उस पानी को हैंडल करना और उसको संभालना। इस तरीके से अगर आप देखा जाए तो हमारी मशीन इस्तेमाल करने के बाद उनका प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी, साथ साथ हमारे समाज को, हमारे देश को एक अच्छी वातावरण मिलेगी। हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहाँ पे पीने के पानी की बहुत कमी है, और ऐसी स्थिति में हम रोज़ का 1 लाख लीटर 2 लाख लीटर पानी वेस्ट करते हैं, तो साल में कितनी वेस्ट करते हैं, एक इंडस्ट्री 10-20 साल में कितना ज़्यादा पानी बर्बाद करती है। हमारे को वाटर कंजम्पशन के बारे में विचार करना चाहिए सीरियसली, और इस तरीके से सोचें तो ये मशीन बहुत उपयोगी है। पानी नहीं इस्तेमाल होने की वजह से इसके जो बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं, तेल तो अच्छा निकलेगा, उसमें शाइनिंग होगी, उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, और ये अमेरिकन और जर्मनी में सब जगह ये टेक्नोलॉजी को लोगों ने एक्सेप्ट किया हुआ है, ये चल रही है। हिंदुस्तान में भी मैं सभी लोगों को अपील करता हूँ कि इसको समझें और इसको इस्तेमाल करें और इसका फ़ायदा उठाएं। वास्तव में यहाँ आपने डेयरी प्रोडक्ट डिस्प्ले किए हैं और इनमें ख़ासतौर से गाय का घी, जिसकी आजकल काफ़ी डिमांड है, लोग गाय के घी को, शुद्ध गाय का घी मिलना एक बड़ी चुनौती भी है इसके साथ, तो आप किस तरह का प्रोडक्ट यहाँ लेकर आए हैं और क्या स्पेशलिटी है? क्योंकि इस आपके जो फील्ड है, आपका मार्केट है, इसमें बहुत सारे प्लेयर हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं पहले से, तो आपकी क्या विशेषता है? पहले तो मैं मेरा शॉर्ट में इंट्रो करवा देता हूँ। माई सेल्फ भूपत सुखड़िया फ्रॉम श्री राधे डेयरी फार्म एंड फूड्स प्राइवेट लिमिटेड।
कंपनी का ब्रांड नेम है वास्तु, और वास्तु के नाम से हम देसी घी काव एंड बफेलो बना रहे हैं, पैकिंग कर रहे हैं। और दूसरा हमारा प्रोडक्ट है, बेकरी आइटम भी है, मिल्क है, कर्ड है, बटर मिल्क है, ये सारी चीज़ें हम वास्तु के अंडर में वास्तु नाम से ऑल ओवर इंडिया में सप्लाई कर रहे हैं। और गाय के घी की विशेषता है कि आज लोगों के में इतनी अवेयरनेस आई है कि पहले आज के 10 साल से पहले की बात करें तो लगभग 80% बफेलो घी बिक रहा था मार्केट में और ओनली 20% ही गाय का घी बिक रहा था। लेकिन आज पूरा उल्टा हो गया कि 80% काऊ का घी जा रहा है मार्केट में और ओनली खाली 20% ही बफेलो जा रहा है। तो आज ये गाय के घी के लेके मार्केट में इतनी सब लोगों के अंडर में अवेयरनेस आई है। आपके क्योंकि अवेयरनेस है, लोग डिमांड करने लगे हैं और डिमांड क्रिएट हुई है मार्केट में, लेकिन इसको फुलफिल करने के लिए एक अच्छा प्रोडक्ट होना चाहिए और ओरिजिनल उसको गाय का घी मिले, इसकी कोशिश होनी चाहिए। तो इसमें वास्तु किस तरह से अपने ग्राहकों को विश्वास दिलाता है कि यहाँ बिल्कुल शुद्ध अच्छा गाय का घी मिलता है? हमारा फार्मिंग भी है, काउ है हमारे पास, जो जो रिक्वायरमेंट है वो हिसाब से हमारा खुद का मिल्क है, अब अगर ज़रूरत पड़े तो ही हम बाहर से मंगाते हैं। रेनबो मार्केटिंग की ओर से यहाँ खास तरह से अनाजों के लिए, मसालों के लिए, इस तरह के फूड ग्रेन्स के लिए एक विशेष मशीनरी है जो उनकी छटाई कर सकती है खास सेंसर के माध्यम से। और क्या विशेषता है इसकी यहाँ पर, और किस तरह की यहाँ मशीनरी आपने डिस्प्ले की है? सर ये कलर शॉर्टक्स ही है, ये सिर्फ कलर पे काम करता है अपना, अनाज के लिए स्पाइसेस में या जितनी भी तरीके की आज कमोडिटी है उन सब के अंदर जो रिजेक्शन मटेरियल होता है उसको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में काम करने के लिए, जैसे आप पकड़ सकते हैं ये मशीन जो देख रहे हैं, ये मशीन 8 टन पर आवर का काम करती है, एक घंटे में 8 टन माल साफ़ कर सकती है। मेरे पीछे वाला मशीन है, ये 3 टन पर आवर माल साफ़ कर सकती है। इस तरीके से सिर्फ कलर पर काम करके हम हर अनाज को साफ़ कर सकते हैं आज के टाइम, और आज के टाइम पे जितना भी है देख रहे हैं आप लोग, विदाउट शॉर्टेक्स माल कोई भी कस्टमर नहीं खरीदता, गंदा माल के लिए कोई अलाउ नहीं करता। आज हमारे व्यापारियों को इसका फ़ायदा इसलिए मिलता है क्योंकि उनको भी पैसा अच्छा मिलता है, जितना अच्छा माल साफ़ करेंगे उतना अच्छा माल पैसा मिलेगा उनको। ये तो इस मशीनरी की डिमांड क्या है, किस तरह का मार्केट है खासतौर से राजस्थान में? सर इस मशीन का 70% शेयर है आज जितनी भी अनाज मंडियाँ हैं उन सब में, क्योंकि बिना शॉर्टेक्स के माल आज कोई भी ग्राहक नहीं खरीदता है, सबको माल साफ़ किया हुआ चाहिए। आपको पता है पहले लेडीज़ें गेहूँ साफ़ करती थी घर में, आज कोई करती है क्या? सबको साफ़ किया हुआ माल चाहिए, इसीलिए इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है मशीन। अच्छा इसकी कॉस्ट क्या है और इंस्टॉलमेंट किस तरह से होता है, ये सारी सर्विसेज आप ही प्रोवाइड कराते हैं? बिल्कुल सर, ये सब हम लोग देते हैं। मशीन 10 लाख से स्टार्ट है और 1 करोड़ तक की मशीनें आती हैं, ये कैपेसिटी के हिसाब से इनकी प्राइस अलग अलग होती है। राजस्थान में किस तरह का मार्केट आप देखते हैं और यहाँ इस एग्जीबिशन में खासतौर से कैसा रिस्पांस मिला है, कैसी क्वेरीज रही? रिस्पांस अच्छा है सर, क्योंकि सारे व्यापारी आए हुए हैं यहाँ पे, सबको मशीनों का रिक्वायरमेंट है, तो अच्छा रिस्पांस है हमारी तरफ से। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का तेजी से विकास हो रहा है और इस एग्जीबिशन में बहुत सारी कंपनियों ने अपने उत्पाद प्रदर्शित किए हैं। यहाँ लिनक्स है जिसने अपनी मशीनरी यहाँ प्रेजेंट की है, किस तरह की ये मशीन है, किस उपयोग में और कैसा रिस्पांस मिल रहा है सर? थैंक यू फॉर कमिंग ईयर। ये मशीन जो है अभी ये ग्रेडिंग इंडस्ट्री में या फूड इंडस्ट्री में चलती है, इसका मेजर काम है मैग्नेटिक डिस्टोनर, इसका मतलब मिट्टी वगैरह स्टोन वगैरह हटाने की मशीन है। मतलब जैसे अपना गेहूँ चल रहा है, चावल चल रहा है, अपना दाल है, अपना उड़द है, उसके अंदर से जो मिट्टी वगैरह की शिकायत रहती है तो क्लीनिंग में वो क्या वो मिट्टी वगैरह निकल जाती है, तो अपने को फाइनल में गुड प्रोडक्ट मिलता है। कैसा रिस्पांस मिल रहा है क्योंकि काफ़ी भीड़ नज़र आ रही है आपके यहाँ स्टॉल पर जब से शुरू हुई है एग्जीबिशन तब से? नहीं, बहुत अच्छा रिस्पांस है, बहुत अच्छा मार्केटिंग किया हुआ है सूर्य जी ने, और बेटर रिस्पांस भी है आसपास के, मतलब इधर से आपको भरतपुर से लेके इधर अपना किशनगढ़ या अपना नागौर साइड के बहुत सारे लोग आए हुए हैं। इससे क्या फ़ायदा होता है क्योंकि ग्रेडिंग की आजकल डिमांड काफ़ी रहती है जी, जी, तो इस मशीन से जो अभी तक होती थी पारंपरिक जो ग्रेडिंग है जी, उसमें जी, और इस मशीन में क्या अंतर है? पारंपरिक में क्या होता था कि अगर आप समझो कि अपने को 2 बोरी माल को क्लीन करना है तो पूरा 2-4 दिन चले जाते थे क्लीन होने में, अभी यह मशीन 2 मिनट में करता है 2 बोरी, मतलब 1 घंटे के अंदर ये समझो कि 100 बोरी का क्लीनिंग हो जाता है 1 घंटे के अंदर, तो ये बहुत ज़माना फास्ट है। इसके ग्रेडिंग के प्लांट लगे हुए बकाया, तो उससे आदमी को जो खाने की प्रोडक्ट मिलती है वो पूरी क्लीन होकर मिल रही है।
किसी भी उत्पाद को बनाने के साथ जरूरी है कि उसकी गुणवत्ता भी बनाई जा सके और साथ ही गुणवत्ता का ध्यान रखा जा सके, जिससे देश और प्रदेश के बाज़ार में कभी परेशानी ना हो गुणवत्ता को लेकर। इसके लिए ज़रूरी है कि सही मापदंडों पर टेस्टिंग होनी चाहिए और ये यहाँ इस एग्जीबिशन में इस तरह की सेवा उपलब्ध करवाई जा रही है। यहाँ जिस स्टॉल पर मैं आया हूँ, ये कौन सी कंपनी, किस तरह की आपकी टेस्टिंग लेबोरेटरी है, सारी जानकारी आप देंगे? जी, हमारी कंपनी का नाम है टीम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। हम लोग 15 ईयर ओल्ड कंपनी है एंड हम लोग गवर्नमेंट से भी अप्रूव्ड हैं एंड हम लोग हर तरीके की ना टेस्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, चाहे फूड टेस्टिंग हो, आयुर्वेद टेस्टिंग हो, वाटर वेस्ट वाटर एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग हो, मिनरल्स एंड ओर्स की हो, मेटल ज्वेलरी फ्यूल सॉइल बिल्डिंग मटेरियल, इन सब तरीके के हम टेस्टिंग प्रोवाइड करते हैं। तो इससे हम लोग का मेन फोकस ये है कि लोग क्वालिटी कॉन्शियस हों। एक्सपोर्ट में जाता है तब तो लोग फिर भी टेस्ट कराते हैं, उन लोगों को भी हम लोगों की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि हमारी रिपोर्ट से वो लोग वहाँ जाके प्रमोट कर सकते हैं दैट दे आर सेलिंग अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। बट यहाँ पे भी ज़रूरी है, हम लोग क्या कंज्यूम करते हैं, हमें रोज़ हम पानी पीते हैं न तो ड्रिंकिंग वाटर जो है अगर वो आपका ख़राब है, उसके पैरामीटर्स जो हैं जो ह्यूमन बॉडी के लिए रिक्वायर्ड हैं वो अगर सही नहीं होंगे तो वो हमारी हेल्थ को ना ख़राब करेंगे। वही चीज़ फूड टेस्टिंग के लिए भी इम्पोर्टेंट है, चाहे फूड हो चाहे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हो, अगर वो प्रॉपर क्वालिटी से ना क्वालिटी ना टेस्ट से नहीं निकले हुए हैं तो वो हमारी हेल्थ को इम्पैक्ट करेंगे। और आज हेल्थ ही सबसे बड़ा इशू है और एनवायरनमेंट इज़ अनदर बिग इशू। तो अगर हम एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग कराते हैं तो हमें पता है कि इस एनवायरनमेंट में हम सेफ कैसे रह सकते हैं और क्या प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं, चाहे इंडस्ट्रियल लेवल पे हो चाहे पर्सनल लेवल पे हो, इस एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि हमें ही उसमें रहना है। लेकिन आपकी जो रिपोर्ट है टेस्टिंग रिपोर्ट, उसकी मान्यता क्या है, उसकी रेपो क्या है? हम लोग गवर्नमेंट से अप्रूव्ड हैं, NABL और MOEF सबसे इम्पॉर्टेंट सर्टिफिकेट्स होते हैं, उससे हम लोग अप्रूव्ड हैं और बाकी हम लोग डिपार्टमेंट ऑफ आयुष से भी अप्रूव्ड हैं। तो हम लोगों के पास में सब तरह की गवर्नमेंट से सर्टिफाइड हम लोग लैब हैं और हम लोग 15 साल से सब लोगों को क्वालिटी अश्योर्ड ना रिपोर्ट्स दे रहे हैं। तो हम लोगों के पास मतलब काफ़ी हम लोगों ने इंडस्ट्रीज़ होटल इंडस्ट्रीज़ सबके लिए टेस्टिंग की हुई है और हमारी क्वालिटी अश्योर्ड है। यदि आप पुरानी मशीनरी या कारखाना आप बेचेंगे नहीं तो नया कैसे लगाएंगे? नया लगाने के लिए भी ज़रूरी है कि पुराने को हटाया जाए, लेकिन सवाल ये होता है कि आखिर पुराने को कहाँ बेचे, किसको बेचे? ये सोल्यूशन मुहैया कराने के लिए भी यहाँ पर इस प्रदर्शनी में टासो की ओर से और राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ की ओर से जो प्रदर्शनी है, ये सॉल्यूशन भी मुहैया कराने वाले जो कंपनियाँ हैं उनको उपलब्ध यहाँ पर बुलाया गया है। इसमें सेकेंड वाई ये एक सॉल्यूशन है, ये लेकर आए हैं, आइए इनसे ही जानते हैं कि किस तरह का ये सॉल्यूशन आप मुहैया करा रहे हैं अपनी तरफ से। ये एक ऐसा मोबाइल ऐप है जिसमें आपको कोई भी मशीन बेचना है तो बहुत सिंपल है। अभी तक OLX है, उसमें सब हाउस होल्ड मतलब घर का सामान बिकता है, लेकिन मशीनरी बेचने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है आज मार्केट में। अगर किसी कस्टमर को मशीन बेचना है तो जस्ट फोटो खींचो, प्राइस डाला और बेच दिया। फूड इंडस्ट्री का, एग्रीकल्चर का, ग्रेन इंडस्ट्री की कोई भी मशीन हो जिसको आप तुरंत हाथों हाथ बेच सकते हैं, अपनी मशीन की फैक्ट्री की फ़ोटो खींचिए और प्राइस डालिए और बेस डालिए। और उसकी सर्विस का भी सॉल्यूशन हमने किया है। आपको किसी भी मशीन की सर्विस नहीं मिल रही है तो सर्विस इंजीनियर चाहिए, आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियर चाहिए, प्लांट फिटिंग करने वाले चाहिए, आपको मशीनरी की किसी की सर्विस चाहिए तो सर्विस इंजीनियर भी आपको इस ऐप के अंदर में मिलेंगे। तो सारे हिंदुस्तान के लोगों से, सारे व्यापारियों से मेरा यही कहना है कि आप सेकंड बाई ऐप को अपने मोबाइल ऐप से डाउनलोड करें और इसको डाउनलोड करके उसका यूज़ करें। इसमें ऑयल इंडस्ट्री, घी, आटा, तेल, दाल, चावल, एग्रीकल्चर से रिलेटेड हर तरह की मशीनें, नई मशीनें भी उपलब्ध हैं और सेकंड हैंड यूज्ड मशीनरी भी उपलब्ध हैं। तो दोनों टाइप की मशीनरी आप खरीद बेच सक पाएंगे इसके अंदर में। हल्दीराम एक ऐसा ब्रांड है जिसने नमकीन और भुजिया को एक बड़े ब्रांड के तौर पर प्रस्तुत किया और पूरी इंडस्ट्री में इस समय छाया हुआ है। इस एग्जीबिशन में भी हल्दीराम ने अपनी स्टॉल लगाई है, इनसे जानते हैं कि यहाँ किस तरह के प्रोडक्ट आपने डिस्प्ले किए हैं। देखिए, पहला तो मैं हल्दीराम के बारे में थोड़ा सा बात बताना चाह रहा हूँ। आज हल्दीराम एक बीकानेर की एक छोटी सी दुकान से लेकर आज करीब 3.5 से 4 हज़ार करोड़ का ग्रुप बन चुका है। जो पहले नमकीन की रेंज तक सीमित था हल्दीराम, आज वो नमकीन, वेस्टर्न स्नैक्स, नॉन सल्टी स्नैक्स, स्वीट्स, पापड़, वर्मी सिल्ली,
करीब 400 टू 500 SKUs में आ चुका है और आज ये नेशनल लेवल ब्रांड बन गया है। इट्स प्रेजेंट इन ऑल ओवर स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो जिस विस्तार से कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स का विस्तार किया है और डिस्ट्रीब्यूशन किया है, तो उसके लिए आज हल्दीराम अपनी क्वालिटी के लिए बोलने की ज़रूरत नहीं है। ग्राहक सबसे पहले हल्दीराम को देखते ही ये समझता है कि हाँ हल्दीराम है तो मतलब क्वालिटी है। तो हल्दीराम ने ना अपनी नमकीन की मेंटेलिटी को चेंज करते हुए दूसरे आइटम्स में आज ये काफ़ी विस्तार कर रहे हैं और काफ़ी अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट भी कर रहे हैं। चेन्नई से यहाँ पर एक कंपनी है और उन्होंने यहाँ गुलाब नाम से अपने ब्रांड प्रोडक्ट यहाँ डिस्प्ले किए हैं। इनसे बात करते हैं कि किस तरह के प्रोडक्ट आपने यहाँ डिस्प्ले किए हैं और कैसा रिस्पॉन्स मिला इस एग्जीबिशन में। सो हमारा ब्रांड नेम गुलाब्स है, हम चेन्नई से आए हैं यहाँ पे। हमारे खाकरास, शरबत, मसाले और अचार है, सब बिना एसेंस, बिना आर्टिफिशियल फ्लेवर्स के है। ये सब राजस्थानी स्टाइल में बनते हैं, 100-year-old रेसिपीज है। आइडिया ये है कि सब पुराने ज़माने के जो रेसिपीज़ थे जो बहुत ऑथेंटिक है, वो सब आज के ज़माने के लोगों को तक वापस ला पाए। और यहाँ का रेस्पॉन्स बहुत ही बढ़िया रहा है, वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया। ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट्स जा चुके हैं एंड प्रोडक्ट्स का एक्सेप्टेंस बहुत अच्छा रहा है। सो जयपुर के स्टोर्स में हम बहुत जल्दी अवेलेबल रहेंगे। अच्छा जी, चेन्नई से बहुत दूर से आप आए हैं यहाँ पर, तो जयपुर में आने के पीछे क्या, किस तरह का मकसद था, किस तरह की यहाँ जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उन्होंने अप्रोच की और आपको लगा कि इस एग्जीबिशन में जाना चाहिए? दूरी की बात नहीं है, हमें वैसे भी हमारा प्लान रहा है कि इंडिया में सारे सिटीज़ कवर करने हैं एंड जयपुर के एग्जीबिशन के बारे में जैसे ही मालूम पड़ा और इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में रीड किया, बहुत पॉजिटिव मालूम पड़ा कि कितने सालों से ये एग्जीबिशन चल रहा है। और यहाँ के वॉकिंस और फुटफॉल भी अच्छे रहेंगे, प्रीमियम क्राउड आएगा, ये जान के हमने डिसाइड किया कि पार्टिसिपेट करते हैं। और एग्जीबिशन में B2B रिटेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स सब वैसे ही आते हैं, तो ये एग्जीबिशन अटेंड करने से हमारा बिजनेस यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, प्रेजेंस बिल्ड होगा, कस्टमर्स को प्रोडक्ट की टेस्टिंग हो जाएगी, तो सारा रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रहा है। आपका जो प्रोडक्ट है शरबत, सिरप, इनमें बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, कुछ ब्रांडेड हैं, बड़ी कंपनियां काम करती हैं और हर एरिया में छोटे छोटे ब्रांड भी होते हैं, लोकल भी, तो बड़ा एक चैलेंज रहता है। तो आपकी USP क्या है, क्योंकि सबसे आपको कंपटीशन करना है? इंडिया में फूड प्लेयर्स के लिए सबके लिए जगह है, इतनी बड़ी कंट्री है, इतने सारे लोग हैं यहाँ पे, ऑर्गेनाइज सेक्टर भी है, अनऑर्गेनाइज भी है, तो हम यूनिक है बिकॉज हमने किसी में भी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। सारे इंग्रेडिएंट्स जो है उसकी क्वालिटी जो है वो टॉप मोस्ट है और केमिकल्स नहीं मिक्स करते, तो वही एक यूनिक बात है। क्योंकि हम जो कॉस्ट लगता है जो प्रोडक्शन का, वो कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए कुछ नहीं करते, तो हम कस्टमर को जो देना चाहते हैं वो बेस्ट होना चाहिए, तो दैट इज़ हाउ वी आर यूनिक। Platform to sharing your thoughts.